ये पानी है? हाँ ये पानी है, पानी डीजल दोनों है सर, मिक्स एकदम पूरा। भाई देख क्या पूरा हाल है भाई, फुल टैंक है भाई, फुल टैंक देख लो कितना मोटा नुकसान है मेरे। ये देखो पानी काला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई आपको जैसे पता है कि मैं अभी ट्रिप से लौट रहा था, तो मेरे जीता में भाई फ्यूल टैंक अलर्ट आया, वाटर इन फ्यूल जो मैंने आपको कहा था अभी भी आ रहा है। मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करी है जस्ट, ठीक है ये देखो। गाड़ी स्टार्ट करी है जस्ट और मैं अभी निकल रहा हूँ सर्विस सेंटर के लिए कि भाई क्या दिक्कत हुई है इसमें, फ्यूल टैंक में पानी आ गया है, फ्यूल टैंक में है या फिर आगे कुछ कुछ भी रीज़न होता है, एक्स वाई जेड जो टेक्निकल वो लोग जानते होंगे, है ना। तो चलते हैं दिखाते हैं और क्लियर कराते हैं यार, तो सही भी नहीं है। और भाई पिकअप ले नहीं रही है गाड़ी, 30-40 ऊपर नहीं चल रही है, तो भाई जब ठीक कराना जरूरी है और कोई मेजर मेजर कुछ खराबी ना आ जाए तो उससे पहले ठीक करा लेते हैं यार। जो नुकसान होएगा डीजल का तो होएगा, उसका क्या कर सकते हैं भाई, मेजर नुकसान ना हो जाए उस चीज़ के लिए तो करना पड़ेगा ठीक अपने आप को। तो भाई रात को तो पता नहीं कितना विजिबल हो रहा था, नहीं हो रहा था। देखो एक तो ये वाटर इन फ्यूल आ रहा है अभी भी, तो देखो अभी मैं देखो पूरा प्रेस कर रखा है, पूरा प्रेस कर रखा है यहाँ पर, है ना। और गाड़ी की स्पीड देखो, अब तो चलो रोकनी पड़ेगी। और ये भी स्पीड भाई एकदम नहीं बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है वो चीज। तो भाई मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया था, ये खड़ी अपनी चीता। तो भाई अभी बात हुई है तो खोल के देखेंगे पूरा वाटर टैंक वगैरह। दिख रहा है साफ ये डीजल, ये पानी कितना डिफरेंस आ रहा है भाई देख लो। ये पेट्रोल पंप वाले भाई इतना थोड़ा ना होना चाहिए बारिश से यार, बन की उनकी दिक्कत है पेट्रोल पंप के लिए। भाई टैंकी खुलेगी अपनी पूरी और सारा डीजल मेरा वेस्ट हो गया। ये देख लो, ये मैंने डलवाया था एचपी के पेट्रोल पंप से, राजीव सर्विस स्टेशन मेन रोड एचपीएल पेट्रोल पंप दिल्ली, ठीक है भाई। अब देख लो ये कितने का टैंक फुल कराया था, 4273 भाई, बाकी थोड़ा बहुत पड़ा था, मैंने कार्ड से पेमेंट की थी। और देख लो भाई, देख लो टैंक अलग हो चुका है गाड़ी से, ये पूरा बैच कर चुका है, फ्यूल टैंक है भाई पूरा अलग हो चुका है यहाँ से। आप देखेंगे इसमें कितना पानी है कितना डीजल है भाई, दिक्कत है भाई। ऐसे पेट्रोल पंप से बच के रहो मैं तो कहूँगा यार भाई उनको, चलो हमें नहीं पता रहता यार किस पेट्रोल पंप में क्या है, भाई एटलीस्ट भाई सुबह डेली चेक करना चाहिए डेली कि हाँ भैया हमारे पेट्रोल पंप में कुछ दिक्कत, पेट्रोल टैंक में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। अब बताओ मैं पूरा दिन यहाँ खड़ा रहूँ, मेरा कितना मोटा खर्चा हो गया है ये है? मेरे तो भारी नुकसान हो गया ना, ये तो भाई सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पर, दिक्कत है यार। टैंक खाली करने का प्रोसेस हो गया चालू, ठीक है खोलो, खोला तब एयर बना रहा है, रुक जा।
अरे मैं पता नहीं पूरी वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास है बैटरी अभी कम, सुबह से मैं आया हूँ यहाँ पर तो बैटरी इतनी सफिशिएंट नहीं है मेरे पास जो मेरा कैमरा है, तो जितनी बना सकता हूँ मैं जितना आपको दिखा सकता हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। तो जो काम हो रहा है देखो आपके सामने हो रहा है विदाउट कट, कोई मैं इसमें कट नहीं लगा रहा, देख लो नई गाड़ी का ये हाल करवाना पड़ रहा है मुझे, सिर्फ किस लिए थोड़ी सी लापरवाही पेट्रोल पंप की वजह से। हाँ ये पानी है, हाँ ये पानी है, पानी ले जाओ दोनों मिक्स एकदम पूरा भाई, देख क्या पूरा हाल है भाई, फुल टैंक है भाई फुल टैंक, देख लो कितना मोटा नुकसान है मेरे, ये देखो पानी है, कलर ही ऐसा पता लग रहा है, चलो गिरा लगा पैक कर, पैक कर के लगाओ पाका पूरा पानी हो गया, नीचे रख नीचे सब, क्या कह रहा पेट्रोल पंप वाला, पेट्रोल बात करिए अभी देखते हैं क्या कहते हैं, तो फिर हम अगर डीजल लेके जाएगा बढ़िया उठा रहा था तो फिर हम चीज निकाले, नहीं नहीं हाँ इसमें निकालो डीजल, सब कुछ रिकॉर्ड सब कुछ करना है, सब कुछ रिकॉर्ड रहना चाहिए, बाल्टी मेरे को फेंकना नहीं है, तीसरी है भाई देख लो, भाई लोग यहाँ बाल्टी में सारा निकाल रहे हैं, तो कलर देख ही रहोगे यार आप कितना पानी मिक्स है, ठीक है तीन बाल्टी भर चुकी है अपनी, ये चौथी है, तो आपको भेज ही देना वो तो है ही पानी उसमें है ही, क्या भेजना बताओ आपको, हाँ हाँ नहीं नहीं डीजल लग रहा आप फ्यूल पंप में गए, हाँ आप भेज दो आप देखो मेरे को वो चीज़ नहीं आ, हाँ हाँ नहीं वो तो हाँ हाँ नहीं जी नहीं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं जी, मैं भी आईटी कंपनी में काम करता हूँ पता, मैं ऑफिस छोड़ के ये काम में लगाया हूँ, नहीं वो जी वो नेचर कॉल है जी, ये देखो ये हमारी ह्यूमन गलती है, हाँ जी पूरा कर दो भैया टाइम, बड़ी गाड़ी स्टार्ट ना होगी, ठीक ठीक है जी, तो भाई सुबह से शाम हो गई यहाँ पर, मैं अभी तक सर्विस सेंटर ही खड़ा हूँ, 6:45 हो रखी हैं, आपको पता है मैं 11 बजे आ गया था और अभी तक यहीं पर लगे हुए हैं, देख लो ये लोग पेट्रोल डीजल लेके आ रहे हैं, तो भाई ये देखो ये बाकी सब ये पड़ा, तो ओनर आ गया जो अपना जिसने फ्यूल दिया था हमें, ठीक है वो अभी डीजल लेके जाएगा, तो भाई अपनी चीता पार्किंग में आ गई है भाई नहा धो के, और भाई फ्यूल इंजेक्शन वगैरह जो इंजेक्टर थे वो बच गए हैं, तो उसमें पानी नहीं गया, फ्यूल पंप में पानी आया और आपने देखा ही टैंक पूरा खाली हुआ था, तो सब कुछ क्लीन हुआ प्रॉपर से और वापस से डीजल डाला, मैं डीजल भी लेके आया था, तो भाई मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ और अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व लग तो रही है भाई, अभी थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करूँ के देखूँगा कुछ, ठीक है अभी तो लो फ्यूल की अलर्ट दिखा रहा है भाई, फ्यूल भराना पड़ेगा पूरा, देखता हूँ भाई अब मैं 1000 रुपये का ही भराऊँगा भाई ज़्यादा नहीं भराता यार, मैं आ गया पेट्रोल पंप पे भाई डीजल भराने, एटलीस्ट मिनिमम डीजल भरा लें क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही बंद है ना, कम बिल्कुल डीजल कम है, डाल दे भाई 1000 का डाल दे, हाँ हाँ
तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो की वीडियो को लाइक करना, और आप भी आपका ध्यान रखना भाई, बारिश के टाइम पे डीजल वगैरह अच्छे पेट्रोल पंप से भरा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा उस पेट्रोल पंप की जानबूझ के उन्होंने भरा, भाई कोई भी अपना काम बिजनेस ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है, बट ये लापरवाही है। एटलीस्ट हम चेक करना चाहिए यार तुम्हें सुबह शाम बारिश के टाइम पे कि पता ये चीज़ हो जाती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा हमारा भाई हमारा तो टाइम खराब हुआ है, कुछ भी हो सकता था, गाड़ी में इंजेक्टर खराब हो सकता था, इंजन सीज हो सकता था, कुछ भी मेजर इशू आ जाता। आपने देखा यार कितना पानी निकला उसमें, 30-40% पानी है डीजल पे। चलो भाई अगर वीडियो लाया, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के फुल जोश के साथ।